बंगाल में हो रहा है, इसकी सिख बीजेपी वार का सपोर्टर को ये लोग टोटली किल किया। बहुत औरत के ऊपर गंदा तरीका के काम है ये बीजेपी का टोटली किया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। क्या बंगाल बनेगा अगला कश्मीर? कश्मीर फाइल्स के बाद बंगाल फाइल्स बनेगी? आज डंके की चोट पर यही सवाल है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की बात एक बार फिर से लोगों की जुबान पर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कहा कि बंगाल देश का अगला कश्मीर होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में मुस्लिम कट्टरपंथियों से खतरा है। ममता का कश्मीरी नेताओं जैसा रोल रहा है। बात इतने पर भी नहीं रुकी। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर बंगाल में हिंदुओं पर ऐसे ही जुल्म होता रहा तो दो दशक बाद कश्मीर फाइल्स के बाद बंगाल फाइल्स बनाने की नौबत आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाली हिंदू कश्मीर फाइल्स जरूर देखें, उन्हें देखना चाहिए। बीजेपी के इन आरोपों पर टीएमसी ने करारा जवाब हालांकि दिया है। टीएमसी ने कहा कि बंगाल को बदनाम करने की ये साजिश है बीजेपी की तरफ से। टीएमसी का ये भी कहना है कि कश्मीर में जो हुआ उसकी तुलना पश्चिम बंगाल से की। कश्मीर फाइल्स और बंगाल कनेक्शन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में हिंदुओं के हालात पर लेकर कहा क्या है। इतना हादसा बंगाल में हो रहा है, खास करके आज कश्मीर फाइल को लेकर पूरा देश में पूरा वर्ल्ड में चर्चा चल रही है। इंडियन जो पेट्रियटिज्म जिनको विश्वास करता है, देश और प्रेम को, वो लोग चोट से आंसू बहा रहा है कश्मीर फाइल देख के। हम लोग पोस्टपोन वायलेंस में बंगाल में जो भयंकर हादसा हुआ उसमें 1 लाख से भी ज्यादा, खास करके जो सनातन संस्कृति का मानते हुए आदमी है, राजवंशी हो सकता, हमारी ट्राइबल भाई हो सकता, मुतुआ समाज हो सकता, ये सबको ये लोग मार के पीट के घर से निकाल दिया। पोस्टपोन वायलेंस में हमारी बीजेपी की प्रत्याशी मगरा ओरिस्ट से मानव शाह से लेकर 50, ये पहली दफा नहीं है जब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर इस तरीके से खुलकर बोल रहे हो। इससे पहले भी इस एंगल से, यानी जो हिंदू के साथ जुल्म हो रहा है, जो बीजेपी का दावा है, उसको लेकर पहले भी उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या चुनाव के बाद जो हिंसा हुई जिसमें केंद्रीय टीम को वहां जाना पड़ा, मामला कोर्ट तक पहुंचा, उसमें एक एक आंकड़े भी दिखाए गए, वो पूरे डिबेट के दौरान हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन सवाल अहम है। इससे पहले कि वक्त बहुत ज्यादा लग जाए, हमें इस पे बात करनी होगी। इससे पहले कि दोबारा हम किसी दिन बैठकर द कश्मीर फाइल्स के बजाय हम द बंगाल फाइल्स पे बात करें, उससे पहले आज डिस्कस करना जरूरी है। और यही वजह है कि आज एक एक करके हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं, उसके बाद एक एक करके सवाल भी पूछेंगे। प्रियंका टिबरवाल जो कि बीजेपी से कुछ ही दिन में मेरे साथ होंगी, बादल देवनाथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं टीएमसी से, सर आपका बहुत स्वागत है। अतिकुर रहमान रिसर्चर है, कुछ ही दिन में मेरे साथ होंगे। विजय शंकर तिवारी वीएचपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बादल देवनाथ, आप पे आरोप आज नहीं लगा है, इससे पहले भी लगा है, बार बार ये आरोप उठते रहा है और वो सारी बातें एक बार फिर दर्शकों के सामने ताजा हो गई हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगते रहा है, आज आपकी तरफ से सफाई क्या? मैडम, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। कश्मीर के ऊपर, कश्मीरी पंडित के ऊपर हत्या हुआ, अत्याचार हुआ, ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और पूरे देश जानता है। लेकिन बंगाल को बदनाम करना, बंगाल को बदनाम कौन कर रहा है? शुभेंदु, जो भाजपा के यहाँ का विरोधी, विधानसभा का विरोधी लीडर है और वो बंगाल में रहते हैं, बंगाल में उसका जन्म हुआ, बंगाल का खुद बदनाम कर रहा है। किस कारण बदनाम कर रहा है? एक राजनीति के लिए, राजनीति में सत्ता पाने के लिए ये सब बदनाम कर रहा है। मैं शुभेंदु को आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। जो गोधरा कांड, जो गोधरा कांड हुआ था, जो हिंदू के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर जो हिंदुओं को भ्रष्टाचार करता है, जो किसान बंगाल संभालिए, बंगाल की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है,
वो एक पूरे बंगाल सिनेमा संभालिए, होगा। बंगाल की और जिम्मेदारी काश्मीर आपके भाई, कंधे पे है, और मैडम नेता मैडम बोलने प्रतिपक्ष थे हैं कि आपने शुभेंदु सवाल अधिकारी, किया, तो सवाल पूछेंगे, सवाल क्योंकि सवाल का जवाब आपको आप सुनना टर्न चाहिए ले रहे मैडम। हैं, आप कहीं और जा रहे हैं। मुझे याद दिलाना है आपको, मुझे आपको याद दिलाना है कि आज हम सिर्फ बंगाल पे बात करेंगे। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम, बंगाल बंगाल के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कोई थोड़ा कुछ हिस्ट्री आपको मैं बताना चाहता हूँ। और जो भी मोदी जी 2014 से 2022 तक जितना वादा किया था, जितना असफल हुआ, उसके बारे में एक भी सिनेमा होना चाहिए। रुद्रकांड के बारे में सिनेमा होना चाहिए, किसान आंदोलन के नाम पे 700 करोड़ किसान मर गए उसके ऊपर सिनेमा होना चाहिए। उस सिनेमा को शुभेंदु को देखना चाहिए, कश्मीर फैक्ट के साथ मतलब आप ये का फाइल्स मानते हैं मांगना कि चाहिए। बंगाल में आप कुछ गलत कर और रहे बंगाल हैं, में ऐसा कुछ नहीं आप होता है। मानते हैं, बंगाल का आप बदनाम करना मानते हैं। शुभेंदु का काम हो गया। शुभेंदु तृणमूल में जब रहे थे, जब था तृणमूल में, जब टीएमसी का मेंबर, टीएमसी का लीडर, टीएमसी का मंत्री मंत्री था, उस समय तो ऐसा तो नहीं पता। 1 साल हुआ वो भाजपा में ज्वाइन कर लिया, आज बोल रहा बंगाल के बारे में एक फाइल बनना चाहिए, कश्मीर के बारे में कश्मीर का मुद्दा उठा, काल काल एक कश्मीर कश्मीर के बारे में एक सिनेमा चलिए मैं आपके सिनेमा पास हॉल में आती गया, हूँ, सिनेमा दे दे मैं कहूंगी तो बुरा लग जाएगा, तो बीजेपी बीजेपी से ही सवाल पूछती हूँ। के लिए हालांकि ये बीजेपी तक सुबह सीमित नहीं है, हम सबकी आंखों देखी है बंगाल में क्या हालात बने हुए हैं, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद में, ये सब आंखों देखी है। प्रियंका टिबरवाल बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, आपके बारे में और आपकी पार्टी के नेता के बारे में, शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि 1 साल पहले तक तो हमारे साथ थे, आज उनको राजनीति करनी है, तो बंगाल बुरा लग रहा है, बंगाल में बंगाल फाइल्स वो बता रहे हैं दर्शकों को और जो वहां की पब्लिक है कि आप देख लीजिए वरना ये नौबत आ जाएगी, आप पर आरोप है सीधा। देखिए, इनके साथ थे तभी तो जान पाए कि पश्चिम बंगाल को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए शायद उन्होंने जो है वो तृणमूल कांग्रेस छोड़ा, क्योंकि उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज को बुलंद किया। अभी जो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, मैं कहती हूँ पश्चिम बंगाल को बदनाम नहीं किया जा रहा, ये तृणमूल कांग्रेस ने जो किया है पश्चिम बंगाल के साथ, उस बात को दर्शाया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल की ये हालत है कि अदालत तक जा करके अपनी जान की दुहाई देते हुए अदालत से अपनी जान की भीख मांगनी पड़ती है लोगों को। कल ही अदालत ने मेरी पिटीशन पे 303 लोगों को ये ऑर्डर दिया है, यहाँ के आईजी और डीआईजी को, कि आप देखिए कि इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि ये अदालत तक आए हैं, इन्होंने कहा है कि इनको घर से बेघर कर दिया गया। तो जिस जगह पर अदालत को बार बार पुलिस को ये याद दिलाना पड़ता है कि देखिए लोगों की जान जो है वो खून नहीं हो जाए, उनको मार नहीं दिया जाए और किसी भी तरह की अराजकता नहीं हो, वैसे राज्य में किस तरह का शासन चल रहा है, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि दो गेस्ट और हैं। बादल जी, मैं आपके पास आऊंगी, दो गेस्ट और हैं, पहले एक एक करके मैं उनके पास चली जाऊं फिर आपके पास आती हूँ। अतिकुर रहमान इस वक्त रिसर्च मेरे साथ जुड़े हुए हैं और विजय शंकर तिवारी वीएचपी से हैं, मैं पहले वीएचपी के पास जाती हूँ। विजय शंकर तिवारी, जो ये बंगाल के हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से बंगाल फाइल्स ना हो दो दशक बाद, ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है, इससे पहले सचेत हो जाएं और बंगाली हिंदू जो है वहां पे जाके ये फिल्म देखे, ये उनका कहना है। अब इस बात को लेकर सीधा सीधा जो आरोप लग रहा है बीजेपी पर और ऐसे जो सवाल उठा रहे हैं उन पर कि नहीं आप बंगाल को बदनाम करें, क्या वाकई बंगाल बदनाम हो रहा है? देखो, ये पश्चिम बंगाल में दूसरी पारी है हिंदुओं के दमन की। इसके पहले वामपंथी थे और उन्होंने स्वीकार भी किया था कि 38,000 हिंदुओं का कत्लेआम उनके शासन में हुआ है, ये बात सबके सामने आई थी। उसके बाद ये ममता बनर्जी आ गई। अब ममता बनर्जी, एक इनको एक बात ध्यान क्यों नहीं आ रही कि अब वो पुराना जमाना नहीं रहा कि जब कोई टीवी चैनल कैमरा लेकर पहुंचेगा तभी दुनिया को पता चलेगा, अब हर हाथ में कैमरा है और आए दिन घटनाएं ध्यान में आती हैं। क्या ममता बनर्जी को ये पता नहीं जब उनकी सरकार बनी उसके पहले लोगों को गले में फांसी लटका करके और पेड़ भी लटका दिया जाता था, और इसके बाद फिर उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से इनकी जब सत्ता आई और जिस दिन इन्होंने ओथ ली उसके बाद किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं का दमन हुआ है, कैसे वहां माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं, कैसे लोगों के घर जलाए गए हैं। ये कितना भी कहें अब आंखें बंद करके समाज नहीं रह सकता, इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हजारों हजार हिंदुओं का दमन केवल सत्ता के लिए किया गया है। प्लीज बादल जी, हाँ हाँ ठीक है, दीजिए दीजिए जवाब। मैं इनको मैं इनको मैं केवल सत्ता के लिए आप लोग हिंदुओं का दमन कर रहे हैं। लेप के समय में जो अत्याचार हुआ, सुनिए एक बात, सुनिए एक बात, सुनिए 26,000 के ऊपर मारा गया, आपका परिवार, आपका परिवार पॉलिटिकल कारण लेप लेप ने किया था, लेकिन सुनिए सुनिए तो दीजिए भाई, बंगाल मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, देखा दीजिए मेरी बात पूरी होने दीजिए,
एक नाम बता मेरी दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। हम कहते हैं बंगाल में जिस प्रकार ठोस शासन है, जिस प्रकार सरकारों ने हिंदुओं का दमन किया है, उसके लिए पश्चिम बंगाल का फाइल जरूर बननी चाहिए पिक्चर और लोगों के सामने आना चाहिए। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ अरे बदनाम नहीं कर रहा, बदनाम नहीं कर रहा, आप लोग बिक रहे हैं, आप बिक रहे हैं, छोटी छोटी राजनीतिक कारण बिक रहे हैं, पोस्ट के लिए बिक रहे हैं, हिंदुओं का दमन करवा रहे हैं। और ये आज नहीं, कल आपके परिवार पर भी यही सब कुछ होने वाला है, एक बात आप लिख कर रख लीजिए। मार दिया आपने, ऐसा तो हम लोग करते हैं, लाभ जात के नाम पर नाम पर तो आप हिंदुओं को अत्याचार करते, मुसलमानों को अत्याचार, गौरव के नाम पर हिंदुओं को मुसलमानों को अत्याचार करते। अब जो बीएचपी के तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि 32 सालों के वाम शासन को ममता बनर्जी ने, बादल जी एक सवाल सुन लीजिए, 32 साल के वाम शासन को ममता बनर्जी ने अगर खत्म किया, 34 साल, चलिए 2 साल बढ़ा दिया आपने, उसके बाद आपने आके क्या किया? जो वाम ने किया वही आप कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़ा है कि 40,000, ये बीजेपी का दावा है, पहले एक बार सुन लीजिए, 40,000 हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है अभी मौजूदा वक्त में। ये 10 साल का आंकड़ा नहीं बता रही हूँ मैं, ये अभी का आंकड़ा बता रही हूँ। 3500 से ज्यादा गांव हिंसा प्रभावित हुए हैं। नहीं मैडम, सर ये आंकड़ा है। हाँ। नहीं नहीं मैडम सुनिए ना, आप जो बोल रहे हैं हिंदू पालन कर रहे हैं, वो इलेक्शन के समय में कुछ बिहार में, इलेक्शन जीतने के बाद कुछ बिहार में कुछ भाजपा के लोग ऐसा आवाज उठाते हैं, लेकिन कुछ बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक जिला में हुआ था, वो नॉर्थ बंगाल में हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई हिंदू यहाँ पर, यहाँ से सर देश की इकलौती घटना है। बादल जी मैं जरा अपने दर्शकों के सामने याद दिला दूं, किसी प्रदेश की सीएम, पहले सुन लीजिए, सुनिए आपके बंगाल में क्या होता है, पहले सुनिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चुनाव का जिक्र किया, मैं चुनाव का वाक्य बताती हूँ। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम के एक बूथ पे पहुंचती है, वहां हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो जाते हैं, क्या इस सच्चाई से आप इनकार करेंगे? ये माहौल बन चुका है वहां पे, मैं गवा रही हूं सर, मैं वहां रिपोर्टिंग करने के लिए मौजूद थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कैसे इस बात को झुठला सकते हैं? आपका गलत, आप वहां मौजूद है, जवान मौजूद है, और एक सीएम के सामने हिंदू मुस्लिम आमने सामने है, आपने क्या माहौल बना दिया? सीएम के साथ ऐसा हिंदू मुस्लिम नंदीग्राम में नहीं हुआ, क्या हुआ था वो आप नहीं बता रहे, जो हुआ आप वो नहीं बता रहे। काउंटिंग के दिन ममता बनर्जी 1200 वोटों में लीड लिया और वो जीत गया, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया, भाग रहे ना घटना से, भाग रहे हैं बादल जी, आप भाग रहे हैं घटना से, घोषित किया इसका। प्रियंका जी, कुछ नहीं कह रहा है प्रियंका जी, आपको तो याद होगा जब ममता बनर्जी पहुंची वहां कैसे हिंदू मुस्लिम आमने सामने थे। शुभेंदु का जी, प्रियंका जी आप तो वहाँ की रहने वाली हैं पश्चिम बंगाल की, गलत बात की, गलत का है ये तो, आप लोग नहीं बोल रहे वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई का, प्रियंका जी आप तक आवाज पहुँच रही है, हुआ था 2007 में हुआ था, प्रियंका जी आप तक आवाज पहुँच रही है, लेफ्ट था, लेफ्ट गवर्नमेंट था उस समय का बात आप बोल रहा है, लेकिन अभी नहीं 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 ये अभी हालिया चुनाव की बात मैं कह रही हूँ, ये मैं हालिया नंदीग्राम के चुनाव की बात कह रही हूँ। देखिए बिल्कुल नहीं, हाल में जो चुनाव हुआ था वो तो हम सबने देखा है, वरना पश्चिम बंगाल में क्यों है, एसआईटी क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में, अदालत को क्यों इंटरवीन करना पड़ा, क्यों इनके नेता दौड़ दौड़ के प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं? चलिए मैं आप सभी के पास आते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अतिकुर जी, जो बंगाल की स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, क्या आप इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि द कश्मीर फाइल्स के बाद द बंगाल फाइल्स ना नौबत आ जाए? जी देखिए, अगर किसी किसी बात पे फाइल ही बनानी है, फिल्म ही बनानी है, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ बंगाल के ऊपर बल्कि जितनी भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उनको आप ले लीजिए ना, आप महाराष्ट्र को क्यों छोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र को भी बना दीजिए। अच्छा गुजरात फाइल्स नाम की किताब आई थी उसके ऊपर फिल्म बना लीजिए, उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि मौजूदा सरकार के अंदर जो लोग हैं आज, नहीं हम तो बंगाल पे बात करें, मतलब बैठे हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से क्रियाकर्म करके बैठे हैं, तो बंगाल बंगाल के क्रियाक्रम पे बात कर लें, बंगाल पे भी बात कर लें ना, बनाना चाहते हैं हाँ, बंगाल पे, बंगाल पे बात कर लें ना, इंसानियत दायरे के बाहर होकर के बात कर रहे हैं ये, हाँ बंगाल के भी बनेगी, बात करें महाराष्ट्र पे भी बनेगी, उमर खालिद बंगाल पे बनेगी ना, दिल्ली राइट्स पे भी, मानते हैं ना कि बंगाल पे बनने की बात है, जामिया पे भी बनेगी, लेकिन लेकिन मान रहे ना, लेकिन मेरा आग्रह ये है, मेरा आग्रह सिर्फ इतना है फिल्म पेटरिटी से कि आप जो फिल्म बनाना चाहे बनाए, लेकिन जहर और घृणा ना फैलाए, परजानिया नाम जैसी फिल्म बनाए ना, क्यों गुजरात गवर्नमेंट ने बैन किया परजानिया को, क्योंकि परजानिया फिल्म के अंदर कौमी अंदर मैडम आप कंप्लीट नहीं कर रहे। बस बस एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या जब तक ये
द कश्मीर फाइल्स नहीं बनी थी तब तक क्या कश्मीर की बातें नहीं हो रही थी, कश्मीरी पंडितों की चर्चा नहीं होती थी? होती थी, लेकिन ये जख्म एक बार फिर से ताजा हुआ है। अब ये सच स्वीकारने के लिए लोग तैयार हैं और इस सच से आंख मिला रहे हैं, बस इतना फर्क है। वरना 32 साल से तो लोग जानते ही हैं क्या हुआ है, किसको नहीं मालूम है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। मेरा हाँ, मेरा फिल्म फ्रेटर्निटी से एक ही आग्रह है, आप हर चीज को एक्सपोज करिए, हर चीज को एक्सपोज होना जरूरी है, लेकिन घृणा और नफरत इसका सलूशन नहीं हो सकता है। इसका सलूशन हिंदू मुस्लिम एकता हो सकता है, इसका सलूशन फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करना हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर सेंट्रल स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करना हो सकता है, लेकिन घृणा और जहर फैलाने वाली इनकी कश्मीर फाइल्स टेलीविजन पर बैठकर भाषण देना और ग्राउंड में काम करना वो आपकी मोनोपोली है मैडम। दातान बोल करके एक दातान बोल करके विधानसभा जो है उसके पास जो ग्राम है वहाँ मेजोरिटी जो है वो मुसलमान है, इसीलिए वहाँ से जितने हिंदू है उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया। आप जाइए उनको गांव में घुसाइए, सलूशन बताइए, यहाँ पर आप सलूशन बताइए। मैं तो सलूशन बता रही हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम एकता को किसी तरह से फांसी पे चढ़ाना चाहती है, कहते हैं हिंदू की बात भी ना करें, जान दे और रुक भी ना करें। नहीं तो अतीकुर रहमान की क्या होना चाहिए, क्या कश्मीरी पंडितों के घर वापसी नहीं होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग इतने सालों से दशकों से साल में क्यों नहीं हुई? नहीं तो अभी वक्त है, अगर बात हो रही है तो क्यों बात से भाग रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं? अभी बात होने दीजिए ना, बात होने दीजिए। अरे पश्चिम बंगाल में तो बात होने दीजिए, साल में नहीं हुई। क्यों नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित अपने घर लौटे, वो घाटी में लौटे, ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग? अरे 7 दिनों के अंदर करिए, मैं आपके साथ में हूँ, 7 दिनों के अंदर करिए, 7 साल में नहीं कर पाए। तो सर अगर ये फिल्म आई है और इस फिल्म के जरिए सरकार पे प्रेशर बनेगा आने वाले दिनों में, वहाँ चुनाव भी अगर ये मुद्दा उछलेगा तो क्या परेशानी है? क्या परेशानी है सर? आपने कहा कि सारी दुनिया जानती थी कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ क्या हुआ, उस नाइंसाफी का इंसाफ 7 सालों में क्यों नहीं किया मोदी सरकार ने? तो अभी तो क्यों 370 हटा ना, इंसाफ हो रहा है कश्मीर 370 हटा तो नहीं, आसनसोल के कार्निवल 370 हटा सलूशन नहीं है। नहीं आप तो पहले ये भी सवाल पूछते थे, कश्मीरी पंडितों को नहीं बसा सकते ना, दिस इज नॉट द सलूशन। आप कश्मीरियत का, वाजपेयी जी ने क्या वास्ता दिया था? कश्मीरियत का वास्ता दिया था। आप कश्मीरियत का गला घोटकर कश्मीरी पंडित भाई बहनों को बसा नहीं सकते हैं, आपको पहले कश्मीरियत लौटाना पड़ेगी। 370 को खत्म कश्मीरियत करने के कहने की बात है, कश्मीरियत का कैसे? गला घोटा है। हम सिर्फ वहाँ मुस्लिमों को बसा दे, कश्मीरी पंडितों को हटा दे वहाँ से और कश्मीरियत की बात करें, किस तरीके से बातें होगी सर? ऐसे कैसे बात करोगे? कश्मीरी पंडितों के साथ में कश्मीरियत जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल में भी ये कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं की तो बात हो रही है, वही तो बात हो रही है। महाराजा हरि सिंह के वक्त में भी कश्मीरियत थी, क्या वो भी कश्मीरियत जो 1990 में हुआ, 70 के बाद में 1990 में हुआ वो भी कश्मीरियत के दायरे में रखते हैं, कैसे फर्क समझाएंगे आप? 1990 में हुआ वो अक्रॉस द बॉर्डर के साथ में हुआ, अक्रॉस द बॉर्डर आपने सर्जिकल स्ट्राइक कंटिन्यूस क्यों नहीं की? टाइम बाउंड सर्जिकल स्ट्राइक करिए, हम अभी कश्मीर में बात करेंगे। अब मैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहती थी, मैं वो दर्शकों के सामने फिर बताने जा रही हूं क्या हुआ था वहां। एक बार फिर दोहराती हूँ कि मस्जिदों से, मैं नहीं कहना चाहती थी लेकिन मुझे कहना पड़ा, मस्जिदों से अनाउंस किया गया बकायदा कि अपनी बहू बेटियों को लेकर यहाँ से पलायन कर जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। ये दिया है आपने, ये जख्म मिला है और आज हम जब बात करने बैठे हैं तो आप कहते हैं कि बात नहीं कीजिए। ये वहाँ के टेररिज्म की हाइट की आप बात कर रही हैं, आप टेररिज्म की हाइट की बात कर रहे हैं, तो अक्रॉस द बॉर्डर से जो टेररिज्म आया वहाँ पर एवरी 15 डेज क्यों सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो रही है मस्जिदों में? क्यों आप बॉर्डर एरिया के ऊपर सारी सच्चाई जानने के बाद भी मुंह मोड़ रहे हैं? आपको सब मालूम है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे पड़ोसियों ने पहचान बताई, कैसे उन्हें बेघर किया गया? सर एक फिल्म आई है, अंडू करिए ना सर, एक फिल्म आई है, उसकी आंख मिलाइए, मानिए कि गलती हुई, मानिए कि गुनाह हुआ और घाटी में लौटाना है कश्मीरी पंडितों को। और ये जो हम बंगाल की बैठ के बात कर रहे हैं ना,
ये जो हम बंगाल की बैठ के बात कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हम फिर नहीं चाहते हैं कि देश के नक्शे पे कोई कश्मीर हो, हम नहीं चाहते हैं, और इसीलिए आज ये बात हो रही है सर। अरे पूरे हिंदुस्तान में तो कश्मीर बना के छोड़ दिया मोदी सरकार ने, खड़ा कर दिया है। अब आप कौन से बंगाल की और कौन से रीजन की बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का गला आपने घोटा, ईडी सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी सर, कहां की बात कहां लेके जा रहे, कहां की बात कहां लेके जा रहे आप? ये इसके लिए मैं अलग से डिबेट, अलग से डिबेट जुड़े हुए हैं, ईडी सीबीआई के लिए अलग से डिबेट, उसके लिए अलग से जुड़े हुए मामले। आज हम बात कर रहे हैं कि पलायन अगर हिंदुओं ने किया है तो इस पे बात होगी, ये होगी बात। आज मार दिया गया और इंक्वायरी चल रही है सर, बात होगी। प्रियंका जी मैं यही कह रही हूँ कि ये जो अभी बातें कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने कहा कि वो टेररिस्ट, सब टेररिस्ट ने किया जो किया कश्मीर में, तो मस्जिद से क्या टेररिस्ट ने अनाउंस किया था? वैसे ही पश्चिम बंगाल में जब एक ग्राम से हिंदुओं को निकाल दिया जा रहा है, वहाँ मेजोरिटी रह रही कौन है? मुसलमान। उन लोगों ने गांव से हटा दिया, भगा दिया 400 लोगों को भगा दिया, लेकिन उनको घर वापस ले जाने की हड़बड़ किसी को नहीं, ना मुख्यमंत्री को, ना इन जैसे लोगों को जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि कश्मीर में जो हुआ, आप अभी पश्चिम बंगाल की बात करिए ना, जो हो रहा है, उन लोगों को घर पहुंचाइए, उन लोगों को घर घुसाइए कि वो वहां रह सके, मगर उनको जान की धमकी दी जाती है कि अगर घुस गए तो जान से मार दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसी सरकार के जो एमएलए हैं वो खुद जाकर के अपने हाथों से अत्याचार कर रहे हैं। बहुत बहुत बहाल हो गया है माहौल, तो आप बचाते क्यों नहीं? देखिए जो सच्चाई है उसका सामना करिए ना, आंखें मूंद लेने से, आंखें मूंद लेने से या चर्चा ना करने से सच्चाई बदलेगी नहीं। देखो अमान जी, जो डिबेट का टॉपिक है उसके जरा मैं फिर आती हूँ। हम कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं और आपने ये कहा कि वो तो टेररिस्ट का काम था, लेकिन सर दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी वहां की सियासत करने वाले नेता ने ये नहीं कहा कि इस चुनाव में हमें जिता दो, कश्मीरी पंडितों को हम घर लेकर आएंगे। सिर्फ एक कौम की बात होती रही, क्या इस सच्चाई से आप इनकार करेंगे? और अब मैं बंगाल आपको लिए चलती हूँ। बंगाल में जब चुनाव परिणाम आया उसके बाद क्या हालात बने, ये सच्चाई से आप इनकार कर सकते हैं कि वहां कई दिनों तक खून खराबा होते रहा, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, याद है ना सर आपको? मैं आपसे कह रही हूँ कि आज भी लोग घर के बाहर हैं हजारों की तादाद में। सर आंकड़ा मैं बता दूं आपको, चुनाव बाद क्या हुआ, 40,000 हिंदुओं ने पलायन किया है, 3,500 से ज्यादा गांव हिंसा से प्रभावित हुए। जब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट और मोदी माइटी सरकार बैठी है, द मोदी माइटी सरकार के रहते हुए ये कैसे पॉसिबल हो गया? कैसे हमारे हिंदू भाई खतरे में आ गए? 70 साल में हिंदू भाई कभी खतरे में नहीं आए, लेकिन 7 साल में आ गए। तो लानत भेजनी चाहिए ऐसी सरकार पर। इस बात की है राज्य सरकार कौन है पश्चिम बंगाल की? बात होनी शुरू हुई है, गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर होती है ना। 356 हिंदू खतरे में था सर, था तभी ये हुआ है। ये कश्मीरी पंडितों का पलायन ही बताता है कि हिंदू खतरे में था। ये कश्मीरी पंडितों का पलायन ही बताता है कि हिंदू खतरे में था। और आज हिंदुओं की बात हो रही है तो आपको परेशानी है, तब आप कहते हैं कि नहीं मोदी का कुछ और याद करो, मोदी का ये एजेंडा, मोदी की वो रणनीति। नहीं सर, नहीं, आज हम बात करेंगे, उन जख्मों को याद करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ बैठ के उन लोगों की बात करूंगी जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को, सदस्यों को खोया है सर। और हम नहीं चाहते हैं कि बंगाल वो बने, हम नहीं चाहते। अभी भी मौजूदा वक्त की स्थिति है सर, मौजूदा वक्त मान ये स्थिति है कि असम जाना पड़ा है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को असम जाना पड़ा है। आप पायलट प्रोजेक्ट बनाइए, कैसे कश्मीरी पंडितों को आप वहां पर विदिन डेज एंड विदिन आवर्स बहाल कर सकते हैं। विजय शंकर तिवारी, मैं चाहती हूं कि डिबेट में जरा भी आइए, पायलट प्रोजेक्ट बंगाल में जो इन हालात की भी बात करिए, उन पर भी तो चर्चा करिए। सुनिए, देखो अतिकुर रहमान और कांग्रेस दोनों ने मिल करके इस देश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया है उसके सारे अभिलेख मौजूद हैं। अभी आप कह रहे पलायन की बात, तो कश्मीर से भी हिंदुओं को पलायन कराया गया, हरियाणा के मेवात से पलायन किया, उत्तर प्रदेश के कैराना से पलायन किया, और बंगाल से उन क्षेत्रों से जहां पर अतिकुर रहमान साहब के हाथ रखने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, वहां से हिंदू पलायन करके आसाम में गए। इसके दस्तावेज हैं, इसके अभिलेख हैं अतिकुर रहमान साहब,
और आप कश्मीर कश्मीर की बात कर रहे थे, तो केवल कश्मीर में 89 से 90 तक 11 महीने में 351 बम धमाके हुए थे, 1600 इस प्रकार की घटनाएं घटी थी, हिंसक घटनाएं, 114 लोगों को इस प्रकार से कहीं ना कहीं मारा गया था, और 72 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई थी। ये दस्तावेज है अतकुर रहमान भाई, और इसके बाद भी आप स्वीकार नहीं कर रहे, बहुत बड़ी बेशर्मी की बात तो है कि घटनाएं करते हो, इसके बाद आप स्वीकार नहीं, जवाब देना चाहूंगा, स्वीकार करेंगे तो लगता है कि कहीं कहीं स्वीकार नहीं, जवाब देना चाहूंगा जी रहमान जी, बोलिए बोलिए, एक मिनट, अरे बात मैं जवाब देना चाहूंगा, बात करते मुझे एक मिनट बात नहीं करने देते तिवारी जी, हाँ ठीक है ठीक है, अतकुर रहमान, अतकुर रहमान, आप सेकंड सुन लिया करो, 30 सेकंड, अरे मैं 10 मिनट सुना हूँ आपको, 30 सेकंड नहीं सुन सकते आप, और मैं कहता हूँ पश्चिम बंगाल में जो एक टीएमसी के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे ये हिंदू हैं, चिंता ना करिए आप, वो बहुत समय आने वाला है कि आप भी वहां से भागने की कोशिश करेंगे, आपको भी पश्चिम बंगाल छोड़ करके कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, जो इस प्रकार की ममता बनर्जी की भाषा में बात कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर के छोटी छोटी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वो दिन आने वाला है जैसे कश्मीर में हुआ वही बंगाल में होने वाला है, उसी दिशा में बंगाल जा रहा है, ये सारे देश को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अतकुर रहमान को नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। अतकुर जी जी बोलिए, विजय शंकर तिवारी जी आपके रहते हुए, विश्व हिंदू परिषद के रहते हुए, आरएसएस के रहते हुए, ये मुमकिन कैसे हुआ, कैसे हिंदू भाइयों के साथ इतना अत्याचार हुआ, आप अरे देखिए अब आप हमारे रहते हुए आप नहीं सुन रहे, मैंने आपकी बात सुनी, देखिए बिल्कुल नहीं, मुझे 30 सेकंड दीजिए, यस थैंक यू, धन्यवाद, नहीं देखिए आप पूरी दुनिया के अंदर राम मंदिर के लिए पैसा बटोर रहे थे, आप पैसे बटोरने में आप बिजी थे, प्रवीण तोगड़िया सब पैसा लेके गमन कर दिया, उसके बाद में आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, आप उन कामों में बिजी थे, इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो गया, आपके और आरएसएस के रहते हुए आप लोग पूरे भारत में आपके शक्ल देने में आपके रहते हुए कैसे हो गया, लड़ाई जो है हिंदुओं के अगेंस्ट करनी है, इसीलिए आपने ममता बनर्जी को चुन करके आप लेकर के आए, आप जैसे विश्व हिंदू परिषद तुष्टीकरण की राजनीति जो करती है, जो कहती है कि मुसलमान जो है वो दूध देने वाली गाय है उनके लिए, जो वोट बैंक की राजनीति करती है, आप लोगों को पट्टा देती है, रोहिंग्या को पट्टा देती है जो बांग्लादेश से आए, किस लिए, सिर्फ वोट के लिए, ममता बनर्जी आए हुए क्यों, कौन की राजनीति के लिए, और आप सब मिलकर के ये अत्याचार हिंदुओं के साथ, आपने राम मंदिर के नाम पे कितना पैसा जमा किया बताइए, अतकुर रहमान राम मंदिर के नाम पे कितना पैसा जमा किया, कितना बोलेंगे, लेकिन आप कश्मीर पे नहीं बोलेंगे, आप बंगाल पे नहीं बोलेंगे, बाकी सब छोड़ के सब बोलेंगे, रहमान जी सब बोलेंगे, लेकिन जो हो रहा है उस पे नहीं बोलेंगे, गमन किया है इन्होंने, आप अगर आप घुमा रहे हैं ना और आप लोगों से भाग रहे हैं क्या बताइए, तो ये समझ में आ रहा है जी, प्रवीण तोगड़िया ने कितना गमन किया, अरे आप गबन की बातें बाद में कीजिएगा, प्रवीण तोगड़िया से आप बात कर लीजिएगा, आप संपर्क कर सकते हैं, आज हम उनको अभी डिबेट में लेकर नहीं आए, बेटियों के बलात्कार हुए पश्चिम बंगाल में, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली, हिंदुओं की लड़कियों के छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार हुए 2 तारीख के बाद, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकली, नहीं लड़कों को जान से मार दिया गया, मुझे अभी आपसे बात करनी है, ये जो बंगाल में हालात बने हुए हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, ये हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ रहे हैं ना, ये दोनों को खतरा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू वहां परेशान हो रहा है, आप समझिए कि जब दंगे फसाद जैसे माहौल हो जा रहे हैं तो किसके किसके ऊपर बन रही है, आपके भी भाई बंधु रहते हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं टीएमसी से, लेकिन आप नहीं पूछेंगे, मुझे बड़ी खुशी होती टीएमसी के नेता बादल जी है हमारे साथ, आप पूछेंगे उनसे, जब दंगा होगा वहां पे कैसे पूछेंगे आप, अभी है बादल जी मेरे साथ टीएमसी के लीडर, परमिशन तो दीजिए, हाँ हाँ पूछिए, बादल जी है हमारे साथ जी जी, बात देखिए, रानीगंज जी जरा इनको बताइए, दूल्हागढ़ के राइट हुए, हिंदू मुसलमान लड़े, स्टेट का गला घोटा है बीजेपी सरकार ने, फिर वही बात ताक पे रखा है, ये जब आप कहते हैं ना, जब आप सीबीआई ये सारी बातें करते हैं तो समझ में आ जाता कि आप लोगों ने रट लिया है, ये मुझे लगता है कि मोदी विरोध करने वाले को एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया जाता है, मोदी विरोध करने वाले को व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया जाता है कि जब भी सवाल पूछा जाए जवाब देना, ईडी सीबीआई रट्टा मारा हुआ है, मैं टीएमसी के पास जाती हूँ, देखिए
बड़ा मैंडेट मिला था, सबने वोट दिया था, दीदी तो चंडी पाठ कर रही थी। क्या चुनावी मंच से चंडी पाठ दिखावा था सिर्फ, या हिंदुओं के लिए उनके मन में कुछ है भी? मैडम मैं देखिए अपने हिसाब से जो है वो चंडी पाठ भी करती हैं और वाराणसी भी चली जाती हैं वोट की राजनीति करने के लिए। बोलिए बोलिए। मगर उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो होशियार थे, उन्होंने अपना जवाब दे दिया। इनको चुप कराइए थोड़ा सा। हाँ। मैं 10-15 मिनट मैं बैठा हूँ, मैं 1 मिनट टाइम जब मांग रहा हूँ। और टीएमसी 2 तारीख काउंटिंग के बाद यहाँ पर जो हिंसा का बात कर रहा है, जो मानवाधिकार कमीशन यहाँ पर आए थे, जांच किया, सीबीआई हुआ, हाईकोर्ट का निर्देश था, लेकिन आज तक मैडम एक भी टीएमसी कार्यकर्ता अरेस्ट नहीं हुआ, जिस कारण में भाजपा के कोई लीडर को मारा पीटा। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो 2 तारीख के बाद 2 तारीख से पहले आप खुद ही अपनी सच्चाई बयां करें कि टीएमसी का कोई कार्यकर्ता गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसका निजाम उसका आदमी कैसे गिरफ्तार होगा? कितनी आसान सी बात है, उसका निजाम उसका आदमी गिरफ्तार होगा। लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, आप भाजपा का पक्ष दे रहे हैं, लेकिन ये भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ होगा, ये भी एंकर को टारगेट करने के लिए बोलना बीजेपी का पक्ष नहीं, 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 ये बोलना, ये भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ होगा। ऐसा बात नहीं है मैडम, आप आंसर सवाल कर रहे, सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। क्यों टीएमसी के कितने कार्यकर्ता को मार दिया गया भाजपा द्वारा, कितने का छुपा रहा, आपने एक बार बोला? तो हम तो चाहते हैं ना कि हिंसा खत्म हो, हम तो कह रहे हैं हिंसा खत्म कीजिए, सरकार किसकी है, पुलिस, हमने यही कहा। आपने तो एक नहीं बोला, और 2 तारीख के बाद मैडम प्रियंका मैडम जो बोल रहे हैं 2 तारीख के बाद जो हिंसा का बात कर रहा है, मानवाधिकार कमीशन यहाँ जांच हुआ, सीबीआई हुआ, हाईकोर्ट हुआ, आप बताइए एक नाम बताइए टीएमसी के कोई कार्यकर्ता को अरेस्ट किया सीबीआई ने, जो हिंसा के बाद जो हिंसा का अनुमति मंडल क्या किया, अनुमति मंडल किस लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर, बादल जी कंप्लीट हो गया, सुनिए मैं आपको कह रहा हूं, बादल जी कंप्लीट हो गया। प्रियंका जी के बारे में जरा मैं दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, प्रियंका जी पूरे मामले में वकील है, यानी वो जो हिंसा का माहौल है और जितने लोगों की हत्याएं हो रही है, जो अब प्रियंका जी आप जरा बताइए कोर्ट का कमेंट क्या है, एसआईटी जो गठन उसकी जांच प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी है, प्रियंका जी जरा बादल जी को एक बार फिर याद दिलाइए। मैं यही तो कह रही हूँ, कुछ लोग जो है बिल्ली की तरह आंख बंद कर लेते हैं तो सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, ये किसकी गफलती है, सरकार की। मैं कहती हूँ सीबीआई ने ऐसे कितने ही आरोपियों के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। जरा आप एक बार चुप रहिए, बात करने दीजिए, बीच में मत बोलिए, तमीज रखिए, तमीज सीखिए थोड़ी, तमीज नहीं है इनको डिबेट करने की, जरा सुनिए। 50,000 से ज्यादा का इनाम ऐसे कई लोगों पर सीबीआई ने रखा है जिनको इसी सरकार ने, इसी पुलिस ने भगा दिया, अरेस्ट नहीं किया, किसकी गफलती है आप ये बताइए। इनके कितने सारे लीडर्स हैं जिनके नाम इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं, सीबीआई की जांच चालू है, और अगर जिस दिन प्रमाण हो गया वो अरेस्ट होंगे, तब ये कहेंगे कि हमारे लीडर्स को क्यों अरेस्ट किया, इनके लीडर्स के इशारों पर इस तरह का आतंक हुआ है, इस तरह लोगों के खून किए गए हैं, महिलाओं के बलात्कार किए गए हैं, सिर्फ यही नहीं, अरे सीबीआई के ऑफिसर बंधक बन जाते हैं पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर सीबीआई के ऑफिसर के सामने कितनी बड़ी चुनौती आ जाती है। आम लोगों की तो छोड़िए, कौन कौन से प्रकरण में याद दिलाऊं साहब, कौन से प्रकरण में याद दिलाओ, मान लीजिए सरकारें आजीवन नहीं रहती है, उम्र उसकी 5 साल ही होती है, 5 साल बाद फिर जवाब देना होता है। बादल जी देखिए ना, यहाँ इंसानियत का डिस्कशन हो रहा है, ये लगातार बोलते जा रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं। और बादल जी जब चुनाव आता है ना, सुनिए, चिल्लाने जब आता है चुनाव तो चंडी पाठ करने लगेंगे, दुर्गा पाठ करने लगेंगे, दुर्गा पूजा करने लगेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, ईद मुहर्रम के लिए आप दुर्गा पूजा बैन करवा देंगे, दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन बैन करवा देंगे, पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन, अरे भाई ये तो पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन बैन करवाना, मतलब कहने में भी शर्म आ रही है, काली की धरती पे काली का अपमान कर लेंगे भाई, सरकार में रहने के लिए, सरकार में रहने के लिए। बादल जी, बादल जी, बादल जी, हो गया, स्टैंड जान लिया हमने। प्रियंका जी, आप खुद दुर्गा पूजा के बारे में झूठ बोल रहे हैं, प्रियंका जी, प्रियंका जी,
हिंदू हैं कि ये ऐसे हिंदू हैं, ये लोग ऐसे हिंदू हैं कि राजनीति करने के लिए और तुष्टिकरण करने के लिए ये इस्लाम कबूल कर सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू के नाम पे धब्बा है ये लोग, जहाँ लोगों को जान से मार दिया जाता है, नहीं निकलती मुसलमानों को सम्मान, इस्लाम को सम्मान नहीं निकलती, ठीक है, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, तब ये पट्टा देते हैं जो बांग्लादेश रोहिंग्या आते हैं, ये वही ममता बनर्जी किसने कागज फाड़ के लोकसभा में उड़ाए थे और यहाँ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सरकार की, और आज यही आपका समस्या, आप हिंदू हिंदू करते राम पट्टा देंगे लेकिन सीधा की व्यवस्था देंगे, परमिट देंगे, हम तो चाहते हैं पश्चिम बंगाल में आप शांति कायम करें और सब लोग बेहतर तरीके से रहे, हम तो यही चाहते हैं, हम हिंदू हिंदू नहीं करें, हम चाहते हैं कि सबके लिए काम करें, आप सबके लिए शांति का माहौल बनाए, और आप ऐसी नौबत ना आने दे जो बीजेपी का कहना है कि द बंगाल फाइल्स ना बने, हम यही उम्मीद करेंगे आपसे, बहुत शुक्रिया, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारी कोशिश यही थी कि वाकई आने वाले दशकों में जो बीजेपी का आरोप है उनका कहना है कि दो दशक बाद द बंगाल फाइल्स ना बने, इसलिए मौजूदा वक्त में चर्चा करनी जरूरी है, और वाकई यही हम कर भी रहे हैं कि आज बात करनी पड़ेगी कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसे दूर किया जाए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।